मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर स्कूल बस की लापरवाही से 7 वर्ष बालिका यश्विनी पिता रामेश्वर निवासी नारायण की मौके पर मौत हो गई। बालिका को शासकीय चिकित्सालय महितपुर लाया गया जहां पर उसका पीएम किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा लापरवाही पूर्वक बस चलाने के मामले में उज्जैन जिला पीछे नहीं रह पा रहा है। पूर्व में भी यहां पर इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद भी स्कूल प्रबंधक और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आज फिर एक प्राइवेट स्कूल प्रबंधक की लापरवाही का मामला देखने को मिला। महितपुर के ग्राम नारायणा में जहां महर्षि अरविंद पब्लिक स्कूल कालूहेड़ा की बस की लापरवाही के कारण एक बालिका के गिरने से उसकी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीण जनों ने स्कूल बस को पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया। ग्रामीण जन और परिवारजनों का आरोप है कि स्कूल बस में कंडक्टर नहीं था और ड्राइवर वीरेंद्र भाटी तेज गति से गाड़ी चला रहा था, जिससे बालिका के गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं प्रिंसिपल देवेंद्र सिंह चौहान ने इस सारी बातों से पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि बस में कंडक्टर था लेकिन वह सीट पर बैठा था और रोड पर स्पीड ब्रेकर होने की वजह से बालिका गिर गई। जहां पर हमारी टीम जब पहुंची तो वहां पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था। स्कूल के प्रिंसिपल देवेंद्र सिंह ने इस बात को भी स्वीकारा कि बस में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। आखिर कब तक इस प्रकार की घटना होती रहेगी? स्कूल विभाग के लापरवाही के कारण किसी न किसी परिवार के बच्चे की दुर्घटना में जान चली जाती है। प्राइवेट स्कूलों पर कब कार्रवाई होगी, अब यह देखना है। इन सारी घटनाओं के बाद लाचार परिवारजन बालिका का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकल गए। अब देखना है प्रशासन दोषियों पर क्या कार्रवाई करता है। उसमें दोषी वाला तो क्या बताएं, स्कूल बस जो जिस गांव से चलना थी वहां से महज आधे किलोमीटर किसी बस्ती के पास आई थी और वहां पर कुछ स्पीड ब्रेकर आने से कुछ गियर वेयर लगाने के ड्राइवर का, और बालिका पहली सीट पर ही बैठी थी। तो पहली सीट पर बैठने पर बस के अंदर कंडक्टर भी था, कंडक्टर भी उसके पास में बैठा था। अचानक बालिका गेट पे से गिरी और पीछे की साइड की पीछे मस्तिष्क में उसको लगी, तो उसका सिर फट जाने के कारण ऐसा मामला हुआ सर। अच्छा, जहाँ पे ग्रामीण जनों का ये कहना है कि कंडक्टर उस बस में था नहीं, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो उसमें कंडक्टर था जी, ठीक है। और उसके बाद आप भी बोल रहे हैं कि वो बैठा हुआ था जहाँ उसको गेट पर खड़ा होना चाहिए था जी, ये उसकी गलती है कि नहीं सर? बस वहाँ से स्टार्ट हुई थी और महज 4 या 5 बच्चे बैठे थे। उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी में जैसे बच्चे आते जाते हैं तो उसने उस बालिका को बिठा के फिर वो उसके पास में बैठ गया था, बिठा के उसके पास में ही बैठा था। और फिर आगे स्टॉप पे जाके गाड़ी रुकना थी, वहाँ से फिर वो मतलब गाड़ी ऐसा नहीं कि भरा गई थी पूरी और खड़ा रहे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो कंडक्टर बालिका के पास में बैठा था कि दूसरी सीट पे बैठा? नहीं, वो पास में ही बैठा था सर। पर सर जब अगर वो बालिका के पास बैठा था तो बालिका गिर रही थी तो वो उसे पकड़ भी सकता था सर? थोड़ा हो सकता है ध्यान इधर उधर भटक गया हो। ये तो बल्कि कंडक्टर का एक ही काम है कि अगर वो बस पे अगर चल रहा है तो उसे गेट पे ही खड़ा होना, पर गेट पे जाली वाला गेट भी होता है जो बच्चों की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, वो भी उसमें नहीं मिला। नहीं, गेट तो सर अक्सर यहाँ तक कि ग्रामीण जनों का ये भी कहना है कि उसके अंदर जो स्पीड है स्पीड भी उसकी बस की बहुत तेज थी। नहीं सर, स्पीड ब्रेकर पे तो गाड़ी धीरे होगी। वहाँ ब्रेकर नहीं है, हम देख के आए, प्रोटेक्शन देख के आए, वहाँ स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, प्लेन रोड है, प्लेन रोड पे ही देख के आए। वीडियो फुटेज अगर आप चाहेंगे दिखा देंगे हम आपको, ठीक है। और उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ गाड़ी के अंदर? हाँ सर, गाड़ी के अंदर सीसीटीवी कैमरा। और आपने जिस हिसाब से बताया है कि उसके अंदर जीपीआरएस भी लगा हुआ है? हाँ जी, लगा हुआ है। स्पीड गवर्नर भी लगा? बिल्कुल लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं गाड़ी। ठीक है, आपका शुभ नाम बताइए। सर मेरा नाम देवेंद्र सिंह चौहान। देवेंद्र सिंह चौहान? ये महर्षि अरविंद पब्लिक स्कूल कालूड़ा की बस डेली बच्चों को लेने के लिए आती है नारायणा में, तो नारायणा की बच्ची अपने बस में चढ़ने के बाद बस ने ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक ब्रेक लगाया और गेट के यहाँ जो बस बच्ची बैठी थी सीट पर वो नीचे गिर गई और उसी बस के पीछे के पहिए के अंदर आकर के उसकी मृत्यु हो गई। और उसका मेन कारण है बस की लापरवाही, उसमें ना तो क्लीनर कंडक्टर कुछ भी नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, गेट खुला हुआ था उस गेट के अंदर और जो सीट पे वो बैठी थी उस सीट के वहाँ कोई जाली लगी हुई नहीं थी, इसलिए पूरी तरह बस ड्राइवर और बस की लापरवाही और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण ये हुआ। और वहाँ पर वो किसी प्रकार का कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह नहीं था, इसके कारण उस बच्चे का डेथ हो गई। आपका शुभ नाम? अंतर सिंह आजना। अंतर